हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एट्रैक्टिव जीके। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव टाइप जीके को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें हम ब्रिटिश सत्ता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल एट्रैक्टिव जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटे को भी दबा दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। द्वैत शासन लागू 1765 ईस्वी में हुआ था, उस समय बंगाल का तत्कालीन गवर्नर कौन था? रोजर ड्रेक। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वेंसी टार्ट। बंगाल अकाल जो 1770 ईस्वी में हुआ था, उस समय बंगाल का तत्कालीन गवर्नर कौन था? कार्टियर। पलासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? हेक्टर मुनरो। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? 1765 से 1772 ईस्वी तक। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। राज्य हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? हैदराबाद के निजाम, अवध का नवाब और मैसूर के राजा। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम क्या है? अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। अमरदास तीसरे गुरु हैं, रामदास चौथे गुरु हैं, अर्जुन देव पांचवें गुरु हैं और तेग बहादुर छठे गुरु हैं। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किसके किसके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर व सतारा। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम वेंटिक। बोडियार कहाँ के शासक थे? मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? 1758 ईस्वी में।
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। द्वैत शासन नीति को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, उसका अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व क्या था? इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और इसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध को। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 के मैकाले के मिनट से। निम्नलिखित का सही काल क्रम क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव, विंसी टार्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स और कार्टियर। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव। इसमें से सभी। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में, भारत में किस वायसराय के काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खां, जिसे बुरहान उल मुल्क भी कहते हैं। किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार कौन थे? मोहनलाल और मीर मदान। काल कोठरी, जिसे ब्लैक होल कहते हैं, की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, यह घटना कहाँ घटी थी? कलकत्ता में। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है? नवीन चंद्र सेन। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? के एम पन्नीकर ने। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, रिंग फेंस पॉलिसी, किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग से। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खां को। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? राजा सिताब राय को। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था?
शाह सुजा से। किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था? सर आयर्ड कूट ने। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था वह कौन सा युद्ध था? बक्सर का युद्ध। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किस गवर्नर जनरल ने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकर चकिया मिसल से। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम वेंटिक ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मीर कासिम। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह द्वारा। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 ईस्वी में। किस शासक के शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? सिराजुद्दौला के शासनकाल में। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। डिंडीगुल नाम क्या है? तमिलनाडु में एक नगर का नाम है जो तालों के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स। 1790-92 ईस्वी में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था और 1845-46 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। बाकी सब गलत है। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के बाद बने और गुरु अंगद देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। वह शासक कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किस समय हुआ? डलहौजी के समय। 1775 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 1780 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 1824 ईस्वी में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। 1838 ईस्वी में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। ठगों के दमन में कौन संबंध था? कर्नल सलीमन। बहादुर शाह प्रथम को किस नाम से जाना जाता था? शाह ए बेखबर। फरूख खसियर का उपनाम क्या था? घृणित कायर। फरूख खसियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता था। बहादुर शाह द्वितीय जफर के नाम से जाना जाता था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद
मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना था? जुल्फिकार खां के सहायता से। फरूख हसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? सैयद बंधु के सहयोग से। निरीप निर्माता जिसे किंग ऑफ मेकर के रूप में जाना जाता है, सैयद बंधु को। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्तायुक्त कर हत्या कर दी? फरूख हसियर। सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? फरूख हसियर, रफी उद दरजात, रफी उद दौला, मोहम्मद शाह। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह के समय में। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? मोहम्मद शाह रंगीला। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फरुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? मोहम्मद शाह रंगीला। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिसमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए? शाह आलम द्वितीय। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? शाह आलम द्वितीय। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी नबीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? शाह आलम द्वितीय। कौन मुगल बादशाह का एक बड़ा शायर भी था, जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमी भी न मिली कुएं यार में? बहादुर शाह द्वितीय। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। बंगाल का स्थापना 1713 ईस्वी में हुआ था, उसके संस्थापक कौन थे? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की स्थापना 1713 ईस्वी में की थी। फरुखाबाद राज्य की स्थापना 1714 ईस्वी में हुई थी, उसके संस्थापक कौन थे? मोहम्मद खां बख्श। कर्नाटक राज्य का स्थापना 1720 ईस्वी में हुआ था, उसके संस्थापक सदाउद तौला थे। अवध का स्थापना 1722 ईस्वी में हुआ था, उसके संस्थापक मीर मोहम्मद अमीन सआदत खां बुरहान मुल्क था। हैदराबाद राज्य का स्थापना 1724 ईस्वी में हुआ था, हैदराबाद के संस्थापक मीर कमरुद्दीन चिनकलिज खां निजाम मुल्क था। रुहेलखंड राज्य का स्थापना 1727 ईस्वी में हुआ था, उसके संस्थापक अली मोहम्मद खां था। भरतपुर राज्य का स्थापना 1740 ईस्वी में हुआ था और उसके संस्थापक बदन सिंह थे। मैसूर राज्य का स्थापना 1761 ईस्वी में हुआ था और उसकी स्थापना हैदर अली ने किया था। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? चूरामन। किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? सूरजमल को। मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल शासक से मिली? फरूख हसियर के द्वारा। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? मुर्शिद कुली खां जाफर खां ने। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच
विवाद का सर्व प्रमुख कारण क्या था? मुगल बादशाह फर्रुख हसियर जब 1717 ईस्वी में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान की? मोहम्मद शाह रंगीला। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती थी? अली वर्दी खान ने कहा था। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं? अली वर्दी खान ने कहा था। बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? अली वर्दी खान। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे? अली वर्दी खान। बंगाल के नवाब अली वर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के क्या कारण थे? अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, भगोड़े कृष्ण बल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार कब किया गया? 15 से 20 जून 1756 ईस्वी को। काल कोठरी की त्रासदी की घटना कब घटी थी? 20 जून 1756 ईस्वी को। अली नगर की संधि कब हुई थी? 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने से क्लाइव को साबत जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जिम्मेदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। 24 परगना। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी क्यों बनाया? वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप ना हो। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं? मीर कासिम ने लिखा था। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को समाप्त कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? मीर कासिम। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को किसके किसके बीच हुई? सुजाउद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच। कर्नल क्लाइव ने गधा या सियार की संज्ञा किसे दी थी? मीर जाफर को। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल के रूप में उल्लेखित किया? मुबारक उदौला। कर्नल मालसन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो, इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? मीर जाफर के लिए। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? हैदर अली। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकार्ट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी को
कौन से संधि हुई थी? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी के द्वारा कौन सी संधि हुई थी? मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के से मंगलौर की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी से श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? जनरल स्मिथ ने। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? जनरल आयरकूट ने। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? मेजर जनरल मेडोज ने। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? जनरल स्टुअर्ट ने। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? लॉर्ड मैकरीन। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई किसके तहत? टीपू को अपना आधा राज अंग्रेजों को देना पड़ा। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस और तुर्की। टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया। फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुई थी की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू विहित करने लगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में कौन शामिल थे? ट्रावणकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 ईस्वी में हुआ था के संबंध में इनके कुछ कथनों पर विचार कीजिए। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। बोडयार वंश के एक बालक कृष्ण राज द्वितीय को राजगद्दी पर बैठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई। किसने कहा था, मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? टीपू सुल्तान ने। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? टीपू सुल्तान। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांक धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? गुरु अर्जुन देव। किस पद्धति का प्रयोग बेलेजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? धोखेबाजी। किस सिख गुरु ने कहा था, सर दाद सिरे ना दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? तेग बहादुर। किस सिख गुरु को बाकला द बाबा, बाकला के बाबा कहा जाता है? गुरु तेग बहादुर को। सिखों के दसवें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए।
मखोवल अनंतपुर में उन्हें गुरु निर्वासित किया गया। उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा का आदेश जारी किया। उन्होंने पाहुल प्रथा का आरंभ किया। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं कौन कौन सी है? दशम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक, जफरनामा। किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ या लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? गुरु गोविंद सिंह ने। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई? फरुख हसियर। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने किया था? कपूर सिंह ने। रंजीत सिंह ने अपने शासन काल में अनेक विजयी युद्ध लड़े, उनके द्वारा विजित स्थलों को सजाइए। लाहौर, अमृतसर, कांगड़ा, कश्मीर। रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? लाहौर। रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? अमृतसर विजय अभियान के तहत। रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर एवं अमृतसर छीने? भंगी। अमृतसर की संधि जो 1809 ईस्वी में हुई थी, रंजीत सिंह के द्वारा की गई थी, किससे हुई थी? लॉर्ड मिंटो के साथ। रोपड़ की संधि 1831 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? रंजीत सिंह और विलियम बेंटिक। त्रिपक्षीय संधि 1836 ईस्वी में हुई थी किसके बीच? रंजीत सिंह और लॉर्ड ऑकलैंड व शाह शुजा के बीच। रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई? सतलज। रंजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया, जिसमें कौन कौन शामिल थे? वंतुरा, अलार्ड, कोर्ट एवं गार्डनर, एबिटेबल। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? रंजीत सिंह। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो 1845-46 ईस्वी में हुआ था एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो 1848-49 ईस्वी में हुआ था के समय पंजाब राज्य का शासक कौन था? दिलीप सिंह। लाहौर की संधि कब हुई थी? 1846 ईस्वी में। भैरोवाल की संधि कब हुई थी? 1846 ईस्वी में। पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कब हुआ था? 1849 ईस्वी में। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? लॉर्ड एलन बरो के समय में। सिंध विजय का श्रेय किसे जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को कालक्रम अनुसार सजाइए। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध और पुणे के पेशवा। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? लॉर्ड बेलेजली। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था, स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? कार्ल मार्क्स। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक कौन था? डुप्ले। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? लॉर्ड बेलेजली। पिंडारियों का दमन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध किसके समय में हुआ था? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। ठगों का दमन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। मैकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव किसके समय में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त किसके समय में हुआ था? चार्ल्स मेटकॉप। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में हुआ था? लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके समय में हुआ था?
लॉर्ड हार्डिंग्स के समय में, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट किसके समय में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय में, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी के जप्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों को कालक्रम अनुसार सजाइए, सतारा, संभलपुर और जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर, सुगौली की संधि किस वर्ष हुई थी, 1816 ईस्वी में, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किस वर्ष हुई थी, 1824 से 26 ईस्वी में, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुई थी, 1852 ईस्वी में, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था, 1885-86 ईस्वी में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, विलियम वेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, लाहौर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें, और जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।